ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ सिंह है और मैं टोट का रहने वाला हूँ। तो ये मामला लगभग 3 महीने पहले हमारे चाचा जी जिनका नाम परमजीत सिंह था, जिनको छोटे नाम से अजय भी बोलते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रियासी में आए हुए थे। उनकी एक हेयरिंग थी, उनकी बीवी के साथ उनका थोड़ा आपस में कोई झगड़ा था, उसके रिलेटेड जो उनके कोर्ट में उनको हेयरिंग थी, तो वहाँ से वो 27 मार्च 2023 को वहाँ से वो गायब हुए हैं। तो उसकी हमने मिसिंग, जैसे भी हमें लगा कि वो गायब हो गए, हमारे एरिया में नेटवर्क इशू रहता है, वहाँ पे नेटवर्क बहुत कम था, तो हमने उसकी मिसिंग जो है वो उनकी लगाई थी तब से। तो अब जाके हमें कल एसएचओ साहब जो रियासी के यहाँ पे वो कंसर्निंग है विजय शर्मा जी, इनका हमें कॉल आया कल शाम को। हम अपने घरों पे थे, हमारे फादर साहब ने इसकी मिसिंग लगाई थी, दिलीप सिंह जी हमारे साथ खड़े हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप यहाँ पर आइए रियासी में आइए, हमारे पास फ़ौरन पहुँचिए, मुझे उसका कुछ क्लूज़ मिले हैं। तो हम जैसे ही हम रात को आए, कल यहाँ पर रात को हम जैसे शाम को यहाँ पर पहुँचे, तो हमारी सारी एसएचओ के साथ पुलिस की टीम थी और हमारे परिवार के सदस्य थे। तो हमें जैसे ही उन मर्डरिस्ट जो लोग जिनके ऊपर उनकी आशंका थी, एक उनका बेटा था और 2-3 लोग 4-5-7 लोग और थे बताते हैं उनका, उन्होंने इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर या आगे पीछे से कहीं से कालका साइड से उन्होंने, जैसे वो बता रहे थे कि वहाँ से हमने उसको किडनैप किया, उसके बाद किसी के घर या कहाँ लेकर, इस चीज़ का मैं पुष्टि नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पुलिस को पता होगा, किसी के घर या घराट लेकर उसको मारा है, उसका मर्डर किया है, और मर्डर करने के बाद उसकी लाश को वहाँ से एक आल्टो गाड़ी उनके बताने के ऊपर वहाँ से वो लेके उसको भागा से जो केबल ब्रिज अंजी की तरफ जो रास्ता जाता है, जो रेलवे ब्रिज है अंजी वाला, वहाँ से उस रास्ते में उनको जाके दफनाया हुआ था। और पुलिस पार्टी के साथ हमारे पूरे लोग थे, जितने भी हमारे परिवार के लोग, हमारे मोहल्ले के जितने भी, लगभग हम 100-150 आदमी था वहाँ पर। जब हम गए तो वहाँ पर उन्हीं लोगों ने, जो मर्डरिस्ट थे जिन्होंने इनका मर्डर किया था, उन्होंने खोद खोद के हमारे सामने उस बॉडी को निकाला है वहाँ से। तो उसके बीच से जैसे हमारे उनका एक आई कार्ड था, उनके बीच में कुछ पर्स था, उसमें कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो बॉडी के कुछ पीसेस करके उन लोगों ने वहाँ पर उसको दफनाया हुआ था। क्या ये उसी दिन ये 3 महीने कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि 27 तारीख को इन्होंने वहाँ से उनको किडनैप किया और किडनैप करके सेम डेट को उन्होंने मार दिया, जैसे वो बता रहे हैं। उनका एक बेटा भी था उनके साथ और 5-6 लोग और थे, और इस मर्डर के पीछे प्लानिंग जो है उनके ससुराल वालों की, क्योंकि जो हमारी चाची जी हैं उनके साथ इनका वो चल रहा था, तो इनके जो पीछे जो प्लानर है, इनके ससुराल के जितने भी इनके साले 3 हैं, तीनों 2 टीचर हैं उसमें, 1 SDRF में, तो इनकी 1-2 साल से इनको पहले से धमकियां थी, 2-2.5 साल से। एक हमला इन्होंने हमारे घर पे भी किया, क्योंकि वो एक थोड़ा सा ऊपर हमारी ज़मीन है, इसको हम डोगरी में धार बोलते हैं, तो वहाँ पर वो अकेले रहते थे 1 साल पहले, वहाँ पर भी उन्होंने उनकी आँखों में मिर्ची डाली उसके, उनको हमला किया उनके ऊपर। तो वहाँ पर हमारे साथ वाले चाचा जी थे, तो उनके बच्चे थे, परिवार थे, उन्होंने कोर्ट केस भी तलाक को लेकर, चाची जी के साथ इनका कोर्ट केस चल रहा था, ये चल रहा था इनके अलग पास। और कुछ जो गांव के लोग थे उनकी FIR भी इन्होंने लगाई हुई थी, एक जूठी मुठी जो भी था उसकी भी कुछ वीडियो क्लिप्स हैं। और इसके बीच में एक आदमी के और हमारे पास ऑडियोज हैं, अगर आप इसमें शेयर कर सकते हैं तो मैं आपको फ़ोन से आपको दिखा सकता हूँ। वो आदमी किसी थर्ड पर्सन के साथ फ़ोन पर प्लानिंग कर रहा है, हमें ये पता नहीं कि उसने कब की,
जैसे हमारी पुलिस के साथ बात हुई, उन्होंने कहा जो पहले की बात है, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं है कि उन्होंने कब की ये प्लानिंग। वो प्लानिंग कर रहा था कि अजय उन्हीं का नाम है और फलाने फलाने जो है उसको हमने ठिकाने लगाना है। अब क्या कैसे ठिकाने लगाना है हमें नहीं, उस शख्स का नाम बलवीर सिंह है, वो साड़ी कराने वाला है। इसमें कोई प्यार सिंह नाम को सब मास्टर माइंड वही है, क्योंकि जो बच्चा है, जो इनका बेटा है, जो वो इतना कर नहीं सकता, क्योंकि छोटा बच्चा एक स्टूडेंट है, वो क्या क्या कर पाएगा। उसको फंडिंग जो है वो उन तीनों भाइयों की है, उनके सालों की है, उनके जो ससुराल वाले हैं उनकी है। उनको जितना भी पैसा आया है वो प्यार सिंह कर रहा है। प्यार सिंह ने इस केस को पूरी तरह से हैंडल किया और साथ था उस दिन वो लास्ट। और ऐसे ही हमें ऊपर से घर से बुलाया, पुलिस ने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया कि आप नीचे आओ, हमें कोई सुराग मिले हुए हैं तो आप नीचे आ जाओ। हम नीचे आए तो जहाँ से पुलिस हमारे साथ गई है वहाँ पे, जहाँ पे डेड बॉडी दबाई हुई थी, जो मुलजम हैं दो मुलजम और प्लस पुलिस वहाँ पे जाकर जिन मुलजम ने जहाँ पे मारकर दबाया हुआ वो जगह उन्होंने दिखाई, वहाँ से उन्होंने नहीं निकाला हुआ उसको। ठीक है, तो क्या जी इस चीज़ का कोई पता ही नहीं चलता है किस चीज़ से मारा, क्योंकि तीन महीने पहले से डेड बॉडी वहाँ पे दबी हुई है, तो उसका कुछ बचा ही नहीं है कि मारा किससे। वो तो बोल रहे नहीं जी पाइप से मारा हुआ है, कभी कहते हैं किससे मारा हुआ है, लेकिन जब पता चला अब डीएनए के लिए गई जम्मू डेड बॉडी, वहाँ पे पता चला कि किससे मारा गया, या काटा उसको पीटा गया, किस चीज़ से मारा गया जी। ठीक है, वो अपने मायके में रहते थे तो मैं पापा के साथ रहता था अपने घर में। अच्छा, तो क्या मामला की बात है, तब से चल रहा था। जब आए उस सर वो जब कोर्ट में आया तो उसके बाद मेरा कंटैक्ट नहीं हुआ उनके साथ, तो बाद में मुझे इतना ही पता चला कि वो गायब हो गए हैं। तो फिर उसके बाद मैं इधर आया, मैंने कंप्लेन की थाने में, फिर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, आज की है तो आज तीन महीने बाद दिखा रहे हैं डेड बॉडी सिर्फ। तो इसी से नहीं पता है, मैंने फ़ोन भी नहीं किया था उनको तो ना मेरी उनसे बात हुई है। आप मम्मी के रहे उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, और जो पहले कांटेक्ट था अभी नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? वो बोल रहे हैं कि वो ही लेके गया था उसके साथ, वो दो तीन और लगाए, वो सीताराम और सुशील और विपन, चार आदमी दिखा रहे हैं, एक और है पाँच है, मुझे नाम नहीं पता उनका।